नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो रिसेंटली Realme अपने बहुत सारे अलग अलग सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। जैसे कि Realme ने अपना V सीरीज के अंदर V5 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो कि आज तक का सबसे सस्ता 5G फोन था। अब लॉन्च करने वाला है Realme X7, X7 Pro, X7 Ultimate Edition। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और V सीरीज के अंदर स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है Realme V3। और Realme की तरफ से ये कहना है कि ये आज तक का लॉन्च किया हुआ सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो Realme V3 5G स्मार्टफोन आने वाला है, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन होगा, कब लॉन्च होगा और किस प्राइस में लॉन्च होगा, और सबसे मेन चीज इंडिया में कब तक आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का बढ़। ये वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो Realme V3, इसका मेन टैगलाइन है द चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन। अगर स्मार्टफोन की थिकनेस की बात करें तो वो है 9 मिलीमीटर। इसका ओवरऑल वेट है 192 ग्राम। अगर इसके डिस्प्ले की बारे में बात करें तो इसमें हमें मिलेगा 6.52 इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 88% और इसमें गोइला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर इसके कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें हमें मिलेगा 13 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अगर हम इसके रैम की बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन टोटल 3 रैम स्टोरेज में आएगा, 4GB, 6GB और 8GB। इसका जो रैम क्वालिटी वो है दरअसल LPDDR4X और इसमें टोटल 2 टाइप का मेमोरी होगा, 64GB और 120GB। दोनों ही होगा दरअसल EMMC 5.1 और इसमें SD कार्ड का भी सपोर्ट होगा। अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें हमें मिलेगा 4890mAh बैटरी विद 18W इनबॉक्स फास्ट चार्ज। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करें, जो कि एक स्मार्टफोन का सबसे मेन चीज होता है, इसमें मिलेगा Dimensity 720 वाला प्रोसेसर, जो कि सबसे चीपेस्ट 5G प्रोसेसर माना जाता है। और अगर इसके अनटूटू स्कोर की बात करें तो आप देख ही सकते हैं इसका स्कोर है 3 लाख से भी ज्यादा, मतलब ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। तो अब जो सबसे मेन चीज है, बढ़िया स्मार्टफोन किस दिन पे लॉन्च होने वाला है। 2 सितंबर चाइना पे Realme अपने Realme X7, X7 Pro और X7 स्पेशल एडिशन वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। उसी दिन Realme अपने Realme V3 को लॉन्च करेगा, मतलब उसी दिन में Realme अपने टोटल 4 स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। और अगर इसके प्राइस की बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि इसका बेस वेरिएंट, मतलब 4GB 64GB वेरिएंट, इसका प्राइस होगा अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 10,000 रुपए के आसपास। इसका 6GB 64GB का प्राइस होगा 11,000 के आसपास और इसका 8GB 120GB का प्राइस होगा लगभग 13 या फिर 14,000 के आसपास। और अगर स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च की बात करें तो ऑलमोस्ट अक्टूबर महीने के आसपास ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने के बहुत ज्यादा चांस है। अभी आपको शायद लगेगा कि इंडिया में तो Dimensity का कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होता, क्योंकि अब तक MediaTek ने जो Dimensity सीरीज को इसे इंडिया में लाने के लिए रजिस्टर नहीं किया था। लेकिन रिसेंटली MediaTek ने अपने Dimensity सीरीज को रजिस्टर करवा लिया है, मतलब कह सकते कि अगले 1 या 1.5 महीने के अंदर बहुत सारे Dimensity सीरीज का स्मार्टफोन इंडिया में जरूर आएगा। और वैसे ये वाला स्मार्टफोन चाइना में तो आ रहा है Realme V3 के हिसाब से, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, हो सकता है कि यही स्मार्टफोन जब इंडिया में आएगा शायद इसका नाम होगा Realme Narzo 20A, क्योंकि देख ही सकते हैं इसका जो स्पेसिफिकेशन वो ऐसे स्मार्टफोन के लिए जिसका प्राइस 10,000 के आसपास है, और 10,000 के आसपास हमें Realme Narzo 10A मिलता है। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि यही दरअसल Realme Narzo 20A होगा। तो आज का वीडियो इतना, उम्मीद है Realme V3 के ऊपर मैंने आपको जो स्पेसिफिकेशन बताया वो आपको पसंद होगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में 10,000 के आसपास लॉन्च होता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहोगे या फिर नहीं। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।